पड़ जाएगी, आपको भी मेरे साथ दूध पीना। मुझे दूध बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। अच्छा भाई चलो लो, ये लो दूध के साथ जल्दी, तुम्हारे लिए मैं भी तो दूध पी रही हूँ। खाली ग्लास करो। गाइस वेलकम टू IWM बस, और आज हम बात करेंगे कलर्स टीवी के पॉपुलर शो मेरे बलम थानेदार की, जहां आप सभी देखेंगे कि शो में आपको बुलबुल और सुलक्षणा के बीच में एक क्यूट मोमेंट देखने को मिलेगा। जी हां, बुलबुल जब घर से वापस लौटी है तो सभी घर वाले काफ़ी ही खुश है और पैंपर कपड़े हुए नजर आ रहे हैं बुलबुल को। इतना ही नहीं, सुलक्षणा बुलबुल को मना कर देती है किचन में कुछ भी काम करने से, और इतना ही नहीं बुलबुल रखना चाहती है जन्माष्टमी का व्रत, लेकिन सुलक्षणा कहती है कि उसकी दवाई चालू है और वो ऐसा नहीं कर सकती, लेकिन बुलबुल सुलक्षणा को मना लेती है। जब बुलबुल और सुलक्षणा के बीच में क्यूट मोमेंट देखने को मिलता है। देखभाल तो पहले भी करते थे, प्यार उतना ही था, लेकिन अभी वो गोली खाकर आई है, हॉस्पिटल से आई है, तो डेफिनेटली उसको थोड़ी सी ज्यादा पैम्परिंग मिल रही है ताकि उसे ज्यादा दर्द ना हो, क्योंकि जो प्यार होता है उससे दर्द भी थोड़ा कम हो जाता है। तो उसे पूरी फैमिली बहुत पैम्पर कर रही है, तो उसे इतना दर्द भी नहीं हो रहा और वो देख रही है, तो शी इज वेरी हैप्पी एट दिस। वो बच्चे नहीं होते, मैं खुद भी अपने लाइफ से आई थिंक रिलेट कर पाऊंगी। वो दवाइयाँ कुछ कुछ कड़वी होती है जो आप खा नहीं पाते हो, तो वो वैसे ही करिए कि मुझे नहीं खाना, लेकिन वही मासा कह रही है कि तू मेरा तो इतना ध्यान रखती है, मेरी हर दवाई तुझे याद रहती है कि कब क्या खिलाना है, तो तुझे खाना पड़ेगा। तो बुलबुल कहती है, तो बुलबुल उसमें भी एक दिमाग लगाती है कि कल तो मासा का भी व्रत है, तो वो भी वीक फील करेंगे, तो दोनों मिलके फिर दूध पी लेते हैं। और बहुत हैप्पी सा क्यूट सा सीन था वो कॉल ये होता है कि जनरली दोनों का हैप्पी हैप्पी सीन चल रहा है, फिर विशेष भाई साहब को वो कॉल करती है, तो वहाँ पे कुछ पूजा हो रही होती है, तो मासा थोड़ी सी टेंस हो जाती है कि इतनी रात को कैसी पूजा, मतलब सुबह होनी चाहिए थी पूजा, क्योंकि वो शिखा भाभी साहब की बरकी की पूजा थी। बट फिर उसके बाद बुलबुल कूल डाउन कर देती है कि वो तो सरप्राइज देने वाले हैं आपको, वो अच्छा होता है, तो क्या होने वाला है, बहुत ट्विस्ट एंड टर्न्स है इसके पीछे, जो मैं उतना अभी आपको नहीं बता पाऊंगी, बट आई थिंक आपको आगे देखने में मजा आएगा। उसके पीछे भी कुछ है, ऑडियंस को मैसेज कि ढेर सारा प्यार दीजिए हमें और ट्रस्ट रखिए, हम बहुत सारे अच्छे कंटेंट लाने वाले हैं आगे, कीप वॉचिंग, कीप स्टिक रहिए हमारे साथ, और हाँ बस हमारा शो देखते रहिए और ढेर सारा प्यार दीजिए। ओए मैं भूल गई, कल मारे को भी तो रखना है। हाँ तुम्हें रस ही रखना है। हाँ तुम्हें दवाई, तुम दवाई खा रही हो, खाना खाना जरूरी है, इतनी कमजोरी हो रही है तो बुलबुल बुलबुल मासा देखिए, शादी के बाद सोची अगर मैं तो व्रत ना रखा तो खाटू श्याम जी क्या कहेंगे, पूरे दिन मारे नाम की रट लगाते रहते, पूरे दिन मारे से मदद मांगते, और जैसे ही कृष्ण जी की बात आई तो उसके लिए व्रत भी ना रख पाए, सीधा भाग कैसी भागते। देखिए मैं अपनी प्यारी मासा के साथ रखूंगी, आप मना नहीं कर सकते। तुमसे कोई जीत ही नहीं सकता, जीतने ही नहीं देती हूँ, मैं क्या बोल सकती हूँ। अब तुम्हें रखना है व्रत तो ठीक है रख लो, लेकिन हाँ पहले ये दूध पी लो, और एक मिनट आप कांच नहीं, पहले दवा खाओ, पहले दवा। मासा क्या ये दूसरा क्यों बन रही हो? मासा देखिए, मासा कोई मर्डर की ना चली गया, कल आपका भी तो व्रत है, फिर आप भी तो कमजोर पड़ जाएंगे, आपको भी मेरे साथ दूध पीना। मुझे दूध बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। अच्छा भाई चलो लो, ये लो दूध के साथ जल्दी, तुम्हारे लिए मैं भी तो दूध पी रही हूँ। एक्शन। हेलो हाँ विशेष बेटा, वो शिखा बीनी की बरसी का उसकी पूजा वो सब ठीक से होगी ना? अब तुमने फोन ही नहीं किया। तीनों में एक तो टाइम पे घर पहुंच जाऊंगा, चिंता मत कीजिए। तू ठीक है ना? तेरी आवाज
चिंता हुई है क्या किसी बात? और तू कभी तू मंदिर में है क्या? इतनी रात का मंदिर है? हाँ मंदिर में हूँ, यहाँ से निकल कर कॉल करूँगा। तेरे पीछे मन क्यों जा रहा है हवन? तो क्या बात है मुझे बता तो सही। आपके लिए एक सरप्राइज ला रहा हूँ माँ, वही जो कई दिनों से आपको चाहिए था। मुझे कोई सरप्राइज? तुम्हें हेलो हेलो तुम जाकर सो जाओ, मैं पूजा की तैयारी कर। जाओ तुम जाकर आराम कर लो, मैं थोड़ा सा जन्माष्टमी की पूजा की। अब ये बात तो मान, जाओ 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 और जाकर सो जाना। मदद चाहिए होगी तो action, Raleigh.